हेलो एवरीवन, आज हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे समर 2023 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पेपर के पार्ट 3। इसमें डिजाइन पूछा है कंबाइंड सीवर का एंड ट्रिकलिंग फिल्टर का। तो कंबाइंड सीवर मतलब उसमें दोनों फ्लो कंबाइंड होंगे, दैट इज सैनिटरी सीवेज दैट इज कमिंग फ्रॉम होम एज वेल एज स्टॉप वाटर, जो बारिश का पानी आता है एक ही सीवर में है। तो दोनों फ्लो कंसिडर करके हमको उसका साइज या उसका डायमीटर निकालना है। एंड दूसरा ट्रिकलिंग फिल्टर। सो बेसिकली दिस इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस जिसमें बीओडी रिमूवल होता है। तो यहाँ पे ये फिल्टर मीडिया होता है, सेंटर से वेस्ट वाटर आता है। यहाँ पे ये जो परफोरेटेड पाइप्स है इसके थ्रू पानी ट्रिकल होता है। एंड यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं दैट आर रिमूविंग द ऑर्गेनिक मैटर, उससे बीओडी रिमूव होता है। तो हमको दोनों का डिजाइन करना है। सो फर्स्ट विल सी, दिस इज क्वेश्चन 4C दैट इज ऑफ 7 मार्क्स। सो हियर डिजाइन अ कंबाइंड सीवर टू सर्व एन एरिया ऑफ 15 स्क्वायर किलोमीटर। तो 15 स्क्वायर किलोमीटर में एरिया दिया है, तो सबसे पहले आपको उसमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर इज 10^6 m² विथ अ पॉपुलेशन डेंसिटी 300 पर्सन पर हेक्टर। 1 हेक्टर में 300 पर्सन रह रहे हैं, तो हमको हेक्टर और मीटर स्क्वायर का कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। 1 हेक्टर इज 10^4 m². द एवरेज रेट ऑफ सीवेज को हमको ऑलरेडी दे दिया है 320 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब पर। द मैक्सिमम फ्लो इज 60%, मतलब 60% एक्सेस फ्लो है। तो वो हमको 1.6 से मल्टीप्लाई करना होगा एवरेज फ्लो को, और उसके बाद दिया हुआ है हमारा रेनफॉल दैट इज इक्वलन टू 14 mm 24 आवर्स में। तो उसके ये डेटा हमको स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो के लिए यूजफुल है, 14 mm इन 24 आवर। एंड दैट इज अपियरिंग एज रन ऑफ। एंड डिटरमाइन द साइज ऑफ सर्कुलर सीवर, मतलब उसका हमको ये डायमीटर फाइंड आउट करना है। एंड एज्यूम द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इसमें से जो वेलोसिटी जो फ्लो कर रहा है वो 2 m/s का है। सो 1 m³ इज 10,000 liters, 1 day इज 24 आवर्स, देन 60 मिनट्स में कन्वर्ट करो एंड देन 60 सेकेंड्स में। तो ये हमको कन्वर्जन्स के लिए काम लगेंगे। सो कंबाइंड सीवर है, तो ओनली थिंग इज दैट सीवेज फ्लो और स्टॉर्म वाटर फ्लो दोनों को हमको ऐड करना है। सो विल सी दैट डेटा गिवन, जैसे मैंने बोला एरिया है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, एवरेज रेट ऑफ सीवेज फ्लो दिया है, मैक्सिमम फ्लो के लिए 60% इन एवरेज दिया हुआ है, रेनफॉल के लिए हमको ये 14 mm का रेनफॉल दिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी 0.2 m/s है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम पॉपुलेशन निकालेंगे। सो हियर इट इज गिवन 300 पर्सन पर हेक्टर, और हमारा एरिया है 15 × 10^6 m² और हेक्टर हमारा दिया हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी का 300 पर हेक्टर। तो हम जब ये सब कन्वर्जन करेंगे तो हमारा जो पॉपुलेशन आता है एरिया का वो 4,50,000 आता है। तो हमने एरिया का पॉपुलेशन निकाल दिया। अभी हमको सीवेज फ्लो एंड स्टॉर्म वाटर फ्लो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एवरेज सीवेज फ्लो निकालेंगे। सो पॉपुलेशन 4,50,000 है एंड हमारा जो सीवेज फ्लो दिया गया है वो लीटर्स पर कैपिटा पर डे पे दिया गया है। सो दिस वी कैन गेट लीटर्स पर डे। अभी लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1,000 से डिवाइड करेंगे, और डे को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 24 × 60 × 60, सो 1.667 m³/s। ये हमारा सीवेज फ्लो दैट इज सैनिटरी सीवेज कमिंग फ्रॉम द हाउस एंड अदर एरिया। सो मैक्सिमम सीवेज फ्लो हमको निकालना है जो 60% इन एक्सेस ऑफ एवरेज फ्लो है। तो 1.6 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मैक्सिमम सीवेज फ्लो मिला 2.6672 m³/s। तो ये फ्लो हमारा कंबाइंड सीवर में आएगा, दैट इज फ्रॉम योर हाउस। एंड नाउ सेकेंड इज फ्रॉम रेन वाटर दैट इज स्टॉर्म वाटर फ्लो। तो हमको हमारा एरिया पता है 15 × 10^6 m², 14 mm का रेनफॉल रन ऑफ में कन्वर्ट हो रहा है। तो 14 mm है तो उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड बाई 1000 एंड 24 × 60 × 60, ये तो करना ही है टू कन्वर्ट इट इंटू m³/s। सो 2.4305 m³/s का हमारा स्टॉर्म वाटर फ्लो जनरेट हो रहा है। सो टोटल डिस्चार्ज में हमको दोनों फ्लो को ऐड करना पड़ेगा, सीवेज फ्लो एंड स्टॉर्म वाटर फ्लो। सो 5.09977 m³/s का हमारा टोटल डिस्चार्ज बनता है, दैट कैरीज बोथ सीवेज फ्लो एज वेल एज अवर स्टॉर्म वाटर फ्लो। सो अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन, दिस इज वेरी कॉमन इक्वेशन दैट वी आर यूजिंग फॉर डिजाइन, क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हमको क्यू पता है दैट इज 5.09977, एरिया हमको मिल जाएगा क्योंकि हमको वेलोसिटी दिया हुआ है ऑलरेडी डेटा में। सो एरिया वी कैन फाइंड आउट एंड फ्रॉम दैट एज दिस इज अ सर्कुलर सीवर
5 by 4 स्क्वायर, दैट इज द डायमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीवर. सो डायमीटर कैसे मिलेगा, यहाँ से आप एरिया से ये इक्वेशन लगा के डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 1.8 मीटर, क्योंकि सर्कुलर सीवर का क्रॉस सेक्शन निकालेंगे 5 by 4 डी स्क्वायर होता है. सो व्हाट वी हैव डिजाइन, नथिंग, सीवेज फ्लो एंड स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो दोनों को कंबाइन किया और उसका डायमीटर निकाला 1.8 मीटर. सो दिस इज आस्क्ड फॉर 7 मार्क्स, तो आप इजीली इसको मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है ट्रिकलिंग फिल्टर. सो ये सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर दिया गया है टू ट्रीट 5 ml ऑफ सीवेज फ्लो हैविंग बीओडी. बीओडी 200 मिलीग्राम पर लीटर है जो इन्फ्लुएंट बीओडी है. ऑर्गेनिक लोडिंग रेट मतलब कितना बीओडी हम फिल्टर पे अप्लाई कर रहे हैं, वो दिया है 11,000 kg पर हेक्टर 10 मीटर पर डे. एंड रीसर्कुलेशन रेशियो, रीसर्कुलेशन रेशियो का मतलब कि एसएसटी के बाद जो फ्लो है उसको वापस रीसर्कुलेट करते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर में. तो फाइनल एफ्लुएंट बीओडी फाइंड आउट करना है. इन्फ्लुएंट 200 है ट्रिकलिंग फिल्टर में, तो एफ्लुएंट मतलब जब ट्रीट हो जाएगा तो कितना होगा वो ही फाइंड आउट करना है. एज्यूम बीओडी रिमूवल इन पीएसटी 30%. सो दीज आर द डेटा गिवन. क्यू सो 5 × 10⁶ लीटर पर डे. इन्फ्लुएंट बीओडी 200 मिलीग्राम पर लीटर. ऑर्गेनिक लोडिंग रेट पता है हमको. सो बेसिकली ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या होता है, केजी ऑफ बीओडी 5 अप्लाइड पर डे पर हेक्टर, दैट इज कितना बीओडी हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर में, वो डेटा. रीसर्कुलेशन रेशियो भी 1 दिया गया है. देन एफ्लुएंट बीओडी हमको फाइंड आउट करना है एंड बीओडी रिमूवल इन पीएसटी 30%. सो बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है उसमें ये मीडिया होता है, फिल्टर मीडिया, इट्स अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम. यहाँ पे जो फीड पाइप है इसके थ्रू सेंटर से ये वेस्ट वाटर आएगा एंड देन थ्रू दिस पर्टिकुलर पाइप्स, यहाँ पे परफोरेशन होते हैं, इसके थ्रू पानी ट्रिकल होगा एंड यहाँ पे जो भी मीडिया है उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे एंड दे विल डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर और बीओडी का रिमूवल होगा. तो जैसे ग्रीक चैम्बर में से पीएसटी में आएगा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, उसमें भी कुछ सेटलेबल सॉलिड्स जो ऑर्गेनिक्स होंगे वो सेटल डाउन होंगे. सो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि 30% बीओडी यहाँ पे रिमूव हो रहा है. तो 30% रिमूव होके ही मतलब 70% आपका जो बीओडी है वो ही ट्रिकलिंग फिल्टर में जाएगा. और आफ्टर एसएसटी उसको आप रीसर्कुलेशन कर रहे हैं बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ताकि बैक्टीरिया प्रॉपर ग्रो करें इन योर फिल्टर मीडिया. सो दिस इज द वे हाउ दिस रीसर्कुलेशन टेक प्लेस. जितना भी फ्लो हम रीसर्कुलेट कर पाते हैं या तो ट्रिकलिंग फिल्टर में करते हैं या तो पीएसटी में करते हैं. तो ये रीसर्कुलेशन ये जो है उसका रेशियो दिया गया है, दैट इज 1. सो दैट डेटा ऑल्सो वी हैव टू यूटिलाइज. सो दिस इज जस्ट द ब्रीफ अबाउट दिस ट्रिकलिंग फिल्टर. नाउ विल सी द सॉल्यूशन. टोटल बीओडी इन केजी पर डे हमको फाइंड आउट करना है. 200 मिलीग्राम पर लीटर है, उसको केजी पर लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो 1 मिलीग्राम इज 10⁻⁶ केजी, तो हमको केजी पे लीटर में मिल गया ये, मल्टीप्लाई बाय अवर फ्लो, दैट इज 5 × 10⁶ लीटर्स पर डे. तो एक दिन में कितना बीओडी आ रहा है वो हमको पता चला, दैट इज टोटल बीओडी इन केजी पर डे इज 1000. एक दिन में 1000 केजी ऑफ बीओडी आ रहा है, उसमें से 30% तो रिमूव हो रहा है पीएसटी में, क्योंकि पीएसटी में भी कुछ सॉल्युबल ऑर्गेनिक्स जो होंगे सेटल डाउन होंगे, उसकी वजह से 30% रिमूवल हो रहा है. तो टोटल बीओडी फिल्टर में कितना जाएगा, फिल्टर में तो 70% ही जाएगा. तो 70% ऑफ दिस 1000 केजी पर डे, तो हमारा सिर्फ 700 केजी पर डे जो बीओडी है वो ही फिल्टर में जाएगा. तो अब हमको वॉल्यूम ऑफ फिल्टर कैसे मिलेगा, हमारे पास जो भी टोटल बीओडी है जो फिल्टर में जा रहा है डिवाइडेड बाय उसका ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, दैट इज गिवन इन डेटा. सो दैट इज 11,000 केजी पर हेक्टर 10 मीटर पर डे. तो हम जब ये टोटल बीओडी डिवाइडेड बाय ये ऑर्गेनिक लोडिंग रेट जो दिया हुआ है डेटा में वो करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ फिल्टर हमको मिलेगा 0.06364 हेक्टर 10 मीटर. नाउ रीसर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं. नाउ दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रीसर्कुलेशन फैक्टर. सो बेसिकली कितना रीसर्कुलेशन हो रहा है ये डेटा भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो उसके लिए हमको रीसर्कुलेशन फैक्टर जो होता है, कितना नंबर ऑफ इफेक्टिव पैसेजेस जो फिल्टर से पास हो रहे हैं वो हमको फाइंड आउट करना है. तो 1 + R/I, R मतलब रीसर्कुलेटेड फ्लो कितना रीसर्कुलेट हो रहा है और I इज इन्फ्लुएंट वेस्ट वाटर डिस्चार्ज. तो बेसिकली रीसर्कुलेशन रेशियो ही दिया गया है जो हमको डेटा में ऑलरेडी मिला हुआ है, तो हम इजीली रीसर्कुलेशन फैक्टर निकाल सकते हैं. So 1 + R/I divided by 1 + 0.1 R/I square. So R/I, this is nothing but recirculation ratio. कितना recirculate हो रहा है divided by influent.
So one data mein diya gaya hai, to put this value of r upon i and easily you can get this recirculation factor as 1.65. Now efficiency ka bhi ek equation hai jo aapko yaad rakhna hai, 100 upon 1 plus 0.0044 square root of y upon v into f. इसमें y क्या है, टोटल ऑर्गेनिक लोडिंग इन kg पर डे अप्लाइड टू फिल्टर. फिल्टर में कितना टोटल ऑर्गेनिक लोडिंग हम अप्लाई कर रहे हैं एक दिन में, वो हमको पता होना चाहिए. जो हमें पता है v इज वॉल्यूम ऑफ फिल्टर दैट इज इन हेक्टर डेसीमीटर, वो भी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. f इज रिसर्कुलेशन फैक्टर जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है. तो तीनों डेटा हमारे पास नोन है तो हमको एफिशिएंसी मिलेगा कि कितना बीओडी ट्रिकलिंग फिल्टर में रिमूव होगा. So here this is the efficiency equation same I have discussed here. So everything we are knowing here. So y is equal to 700 kg of BOD 5 per day, एक दिन में 700 kg BOD जो है वो ही फिल्टर में जाएगा क्योंकि हमने वो निकाला है कि वो 70% 1000 का 70% करके वॉल्यूम भी निकाला हुआ है, रिसर्कुलेशन फैक्टर भी निकाला हुआ है. So put all these values in our equation and you will get this value as 73.58. मतलब हमारा BOD 73.58% रिमूव होगा. दिस इज जस्ट द क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, हाउ दिस रोटरी आर्म एक्सेट्रा वर्क दैट इज अ ट्रिकलिंग फिल्टर. सो अभी हम एफिशिएंसी जो है वो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इन्फ्लुएंट जो BOD है माइनस एफ्लुएंट BOD है डिवाइडेड बाय इन्फ्लुएंट BOD. तो इन्फ्लुएंट BOD कितना आ रहा है, 200 केजी पर डे है, सॉरी 200 मिलीग्राम पर लीटर है और 70% ही फिल्टर में जा रहा है. दिस इज इन मिलीग्राम पर लीटर, अभी हम केजी पर डे नहीं ले रहे हैं, दिस इज मिलीग्राम पर लीटर क्योंकि हमको फाइनल एफ्लुएंट बीओडी भी मिलीग्राम पर लीटर में ही निकालना है. तो ये मिलीग्राम पर लीटर ले लिया जो 70% फिल्टर में जा रहा है, तो इन्फ्लुएंट बीओडी है, एफ्लुएंट हमको निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है. और एफिशिएंसी तो हमें ऑलरेडी पता है तो उसको डेसिमल में आपको रखना है, डिवाइडेड बाय इन्फ्लुएंट बीओडी. तो जब भी आप इक्वेशन लगाते हो तो आपको एफ्लुएंट बीओडी मतलब ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद कितना बीओडी होगा वो मिल जाएगा. दैट इज 36.988, दैट इज अराउंड 37 मिलीग्राम पर लीटर. मतलब अगर इन्फ्लुएंट मतलब ट्रिकलिंग फिल्टर में 200 × 0.7 आ रहा है तो एफ्लुएंट में मतलब आफ्टर ट्रीटमेंट वो 37 ही रह जा रहा है और उसका एफिशिएंसी अराउंड 73.58% है. सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट ऑल दिस using all this formula. तो main formula जो आपको याद रखना है वो main आपका recirculation factor का है और ये efficiency का है. And organic loading rate जो है वो आपको थोड़ा पर उसका concept होना चाहिए तो आप easily examples solve कर पाएंगे. तो अगर आपको ये lecture useful लगा और तो आप उसको like कर सकते हैं, share with other students also so they can also get the benefit. Comment भी करें and subscribe करें मेरे channel अगर नहीं की है तो. Thank you. नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट दो एग्जांपल है सॉल्व करेंगे. थैंक यू.